चलिए शुरू करते हैं सॉइल साइंस का ये पार्ट टू लेक्चर। इसमें हम देखेंगे बहुत सारे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस, उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन से भी जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में वो भी हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोशन कुमार, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, एक रफ ओवरव्यू ले लीजिए कि कितने तरह के सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस हैं, उसके बाद मैं सबके बारे में धीरे धीरे बताऊंगा। तो बेसिकली दो तरह के होते हैं, फंडामेंटल प्रोसेसेस और स्पेशल पेडोजेनिक प्रोसेसेस। फंडामेंटल प्रोसेसेस चार हैं, ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन, इलुविएशन एंड हराइजनेशन। और स्पेशल पेडोजेनिक प्रोसेसेस हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक तो जोनल और एक इंट्राजोनल। ठीक है, जोनल मतलब एक जोन से दूसरे जोन में होता है, इंट्राजोनल मतलब एक ही जोन के अंदर होता है। ठीक है, अब जोनल में चार तरह के और होते हैं, कैल्सिफिकेशन, जिप्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पोडोजोलाइजेशन और लेटराइजेशन। इंट्राजोनल में फिर ग्लीजेशन आ जाते हैं, सलाइनेशन होते हैं, सोलोनाइजेशन होता है, सोलोडाइजेशन होता है, फिर पेडोटर्बेशन होता है। अब देखिए एक एक करके मैं सबके बारे में बताता हूं। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, देखो अर्थ है, अर्थ के ऊपर पेड़ पौधे जीव जंतु सब रह रहे हैं। अब पेड़ पौधे जीव जंतु मरते हैं, सड़ते हैं, सड़ने के बाद जो चीज बनती है उसको ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमस बनने का जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टू फॉर्म ह्यूमस। ठीक है, एक बार और बताता हूं, देखो पेड़ पौधे जीव जंतु मरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं, और सड़ने गलने के बाद जो चीज बनती है उसको कहते हैं ह्यूमस, और इसी ह्यूमस के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, अब देखो, अब आता है एलुविएशन और इलुविएशन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। अब मैं समझाता हूं क्या है। देखो एलुविएशन में आपको याद रखना है वॉशिंग आउट, इलुविएशन में आपको याद रखना है वॉशिंग इन। अब देखो ये अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा, हॉरिजॉन्स होते हैं, सबसे ऊपर होता है ओ, उसके बाद होता है ए, उसके बाद होता है बी, उसके बाद होता है सी। ठीक है, ये पूरा सॉइल प्रोफाइल होता है, और सबसे नीचे होता है पैरेंट मटेरियल, पत्थर वगैरह। ठीक है, तो एलुविएशन और इलुविएशन में क्या होता है, जब पानी ऊपर से नीचे आता है, ठीक है, परकुलेशन होता है पानी का। परकुलेशन के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2016 में। तो जब परकुलेशन होता है तो क्या करता है, पानी अपने साथ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऊपर से नीचे ले आता है। ठीक है, अब ऊपर के जो लेयर्स हैं, यहाँ देखो ऊपर के जो लेयर्स में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सस्पेंशन में, सॉल्यूशन में, ठीक है, पानी के साथ बह के वो नीचे आ जाते हैं। तो क्या होता है, यहां से कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहां बह के आ जाते हैं, तो यहां क्या हो रहा है, वॉशिंग आउट हो रहा है और यहां वॉशिंग इन हो रहा है, यहां रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी हैं सस्पेंशन में, सॉल्यूशन में, और यहां पे हो रहा है एक्युमुलेशन। ठीक है, तो वॉशिंग आउट जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं एलुविएशन। ठीक है, और वॉशिंग इन जो हो रहा है, जहां डिपोजिशन हो रहा है, उसको कहते हैं इलुविएशन। तो अपर लेयर्स से वॉशिंग आउट होता है, एलुविएशन अपर लेयर्स में होता है, और लोअर लेयर में डिपोजिशन होता है, वॉशिंग इन होता है, इसको कहते हैं इलुविएशन। उसके बाद आता है हराइजनेशन। देखो बाद में मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा कौन कौन से हॉरिजन है, किसके क्या फीचर्स हैं, सबके बारे में बताऊंगा, बट अभी इतना बस याद रखना है, जो हॉरिजन फॉर्मेशन होने का पूरा प्रोसेस है उसको हराइजनेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं। ठीक है, सबसे ऊपर होता है ओ, उसके बाद होता है ए, उसके बाद होता है बी, उसके बाद होता है सी, और सबसे नीचे होता है पैरेंट मटेरियल। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन बन रहा है ओ ए बी सी, ठीक है, ये हॉरिजॉन बनने के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हराइजनेशन। ठीक है, सबके अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक मैटर होता है ओ में, इसी तरह से ए में होता है कुछ, बी में, सी में, सबके होते हैं, ये मैं पूरे डिटेल से पढ़ाऊंगा। आपको बस याद रखना है कि जो हॉरिजॉन बनने का पूरा प्रोसेस है उसको हराइजनेशन कहते हैं। ये सारे फंडामेंटल प्रोसेसेस, ये जो चार बताए मैंने, ह्यूमिफिकेशन, एलुविएशन, इलुविएशन और हराइजनेशन, ये सारे फंडामेंटल प्रोसेसेस हैं। उसके बाद स्पेशल प्रोसेसेस हैं, उनके बारे में बताऊंगा। ये हॉरिजनेशन जो होता है, ये पता है कितने साल लगते हैं इसको हॉरिजन बनने में, ये सारे हॉरिजन बनने में, अगर फेवरेबल कंडीशंस हैं तो 250 ईयर्स, और अगर एडवर्स कंडीशन है, कंडीशन सही नहीं है, तब 1000 से भी ज्यादा साल लगते हैं ये ओ ए बी सी हॉरिजन बनने में। ठीक है,
अब देखते हैं हम जोनल पेडोजोनिक प्रोसेसेस। सबसे पहले आता है कैल्सिफिकेशन, जिप्सिफिकेशन एंड डीकैल्सिफिकेशन। ये एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है। कैल्सिफिकेशन में और डीकैल्सिफिकेशन में क्या होता है, CaCO3, इनका एक में डिपोजिशन होता है, एक से रिमूवल होता है और दूसरे में एक्यूमुलेशन होता है। तो देखिए किससे रिमूवल होता है, किस में एक्यूमुलेशन होता है वो देखते हैं। कैल्सिफिकेशन, जिप्सिफिकेशन और डीकैल्सिफिकेशन एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेसेस है और ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, ना कि फिजिकल प्रोसेस। सिंपली जैसे पानी के साथ बह के आ जा रहा था वो नहीं है, ये केमिकल प्रोसेस है, एक केमिकल रिएक्शन है, उसके थ्रू होता है। CaCO3 का एक्यूमुलेशन अगर सॉइल में हो रहा है, देखो ये अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, तो एक जगह अगर CaCO3 का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं कैल्सिफिकेशन, जिप्सिफिकेशन। और अगर पानी के साथ ये घुल के और लीच आउट हो रहा है, पानी के साथ बह गया और फिर लेयर्स में जो यहाँ पे था पहले CaCO3 का डिपोजिशन, ये अगर खत्म हो गया, रिमूवल हो गया CaCO3 का, लीच आउट हो गया, तो फिर उसको कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन। होता कैसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जब बारिश होती है, थंडरिंग होती है, तब H2O पानी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये दोनों मिलकर बनाते हैं H2CO3। H2CO3 और कैल्शियम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो बनाते हैं CaCO3 2, CaHCO3 2। ये सॉल्युबल होता है, ठीक है, पानी में घुला हुआ होता है, लेकिन जब इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है तब ये CaCO3 प्रोडक्ट देता है जो कि इनसॉल्युबल होता है और ये सेटल डाउन हो जाता है और मिट्टी में जमा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कैल्शियम था पहले से मिट्टी में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों आए और फिर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन कर दिया सॉइल, ठीक है, ये पूरा केमिकल प्रोसेस हुआ, उसके थ्रू कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन हुआ सॉइल में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम कैल्सिफिकेशन एंड जिप्सिफिकेशन। अब यही चीज जब उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे जमा हुआ है, एक्यूमुलेशन है CaCO3 का, अब क्या होता है जब ये संपर्क में आता है H2O और CO2 के, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर ये उल्टा होकर फिर से ये सॉल्युबल प्रोडक्ट बना देता है CaHCO3 2, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये जब H2O और CO2 के कांटेक्ट में आता है तो फिर से ये CaCO3 2 ये प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है, जो कि सॉल्युबल होता है वाटर में, फिर धीरे धीरे पूरी प्रोसेस उल्टा होता है और ये घुलकर पानी में लीच आउट हो जाता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कैल्सिफिकेशन जिप्सिफिकेशन में CaCO3 का डिपोजिशन होता है और डीकैल्सिफिकेशन में रिमूवल होता है, लीच आउट होता है। उसके बाद आता है पोडोजोलाइजेशन और लेटराइजेशन, ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है लेकिन दूसरे तरह से, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि एक में रिमूवल हो रहा है एक में एक्यूमुलेशन हो रहा है। इसमें देखो कैसे होता है, यहां समझाता हूं, देखो ये अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, हॉरिजॉन्स हैं, ठीक है। पोडोजोलाइजेशन में क्या होता है, ये जो ऊपरी लेयर है, ठीक है, यहां से सिस्क्वी ऑक्साइड्स, ह्यूमस और बेसिस, सिस्क्वी ऑक्साइड्स किसको कहते हैं, Fe and Al को, ठीक है, ये होता है और ह्यूमस होता है और बेसिस जैसे कि कैल्शियम, ये सारे ऊपरी लेयर से नीचे के लेयर में चले जाते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं पोडोजोलाइजेशन या फिर पोडोजोलाइजेशन, दोनों कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। सिस्क्वी ऑक्साइड्स Fe and Al ये ऊपर से नीचे आ जाता है, ऊपर के हॉरिजॉन से नीचे के हॉरिजॉन में आ जाता है, तो उसको कहते हैं पोडोजोलाइजेशन। और लेटराइजेशन में क्या होता है, सिस्क्वी ऑक्साइड्स के बदले सिलिका SiO2 ये ऊपर से नीचे आ जाता है, ठीक है, पोडोजोलाइजेशन में Fe और Al ये ऊपर से नीचे आएगा, लेटराइजेशन में सिलिका ऊपर से नीचे आता है। अब देखो पोडोजोलाइजेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा ये वॉश आउट हो जाता है, तो ऊपर का जो लेयर होता है जैसे ए लेयर है, ठीक है, ये वॉश आउट हो रहा है, तो इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है, एश लाइक अपीयरेंस हो जाता है, राख जैसा दिखने लगता है, ठीक है, पोडोजोलाइजेशन में। और लेटराइजेशन में क्या होता है, देखो जैसे ऊपर का लेयर है,
यहां से सिलिका नीचे चल गया, SiO2। तो ऊपर में क्या क्या था, सिलिका था और सीस्क्यू ऑक्साइड्स थे FeAl। जब सिलिका नीचे चला गया तो FeAl इनका कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। जब इनका कंसेंट्रेशन बढ़ता है तो ये बहुत हार्ड हो जाता है, जो ए हॉरिजोन है ऊपर का, इसमें जब सिलिका नीचे चला गया, सिलिका इससे रिमूव हो गया, तो इसमें सिर्फ बच गए FeAl। तो इनका कंसेंट्रेशन जब बढ़ जाता है, FeAl बच जाते हैं सिर्फ, और इनका कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो फिर ये बहुत हार्ड हो जाता है ऊपर का जो ए हॉरिजोन है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा है लेटराइजेशन। जो लेटर वर्ड होता है इसका मतलब होता है ब्रीक, ईंट जिसको कहते हैं, ठीक है, ब्रीक या फिर टाइल। तो इसी वजह से नाम पड़ा है, क्योंकि इसमें सिस्क्यू ऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हार्ड हो जाता है ये पूरा हॉरिजोन, इसलिए इसको कहते हैं लेटराइजेशन, ठीक है। एक बार देख लो फिर से, पोर्जोलाइजेशन में क्या होता है, सिस्क्यू ऑक्साइड्स का ऊपर से रिमूवल होता है, नीचे डिपोजिशन होता है, और लेटराइजेशन में क्या होता है, सिलिका का ऊपर से रिमूवल होता है, नीचे डिपोजिशन होता है। अब बात करते हैं ग्लीजेशन का। देखो ग्लीजेशन सिंपली क्या होता है कि ये अर्थ है, बहुत सारे लेयर्स हैं, तो मान लो कहीं पानी जमा है, ड्रेनेज नहीं है पानी का, मतलब निकलने की कोई सुविधा नहीं है, जमीन के अंदर ही सॉइल में पानी जमा है, तो इसके वजह से क्या होता है, सॉइल का जो कलर है ग्रीन हो जाता है, या फिर ग्रे हो जाता है, या फिर ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो क्ले होता है इसको कहते हैं ग्ली, ठीक है। तो ग्ली का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ग्लीजेशन। सिंपली क्या हो रहा है, इसमें ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, ग्रे कलर का सॉइल फॉर्म हो रहा है, और इस तरह के सॉइल्स को कहते हैं हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। और क्यों हो रहा है, क्योंकि पुअर ड्रेनेज है, वाटर लॉगिंग है, पानी जमा है यहाँ पर, इस वजह से हो रहा है, ठीक है। सलाइनेशन इसी तरह से होता है, देखो एक सेकंड, सलाइनेशन में ये अर्थ है, बहुत सारे लेयर्स हैं, अब मान लो यहाँ पे पानी जमा है, पुअर ड्रेनेज है, वाटर लॉगिंग है, तो जो पानी में सॉल्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, मिट्टी में आ जाएंगे। तो मिट्टी में सॉल्ट्स एक्युमुलेट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सलाइनेशन। ग्लीजेशन में ग्ली का फॉर्मेशन हो रहा था, मिट्टी थी ग्रीन कलर की, ग्रे कलर की, ब्लू कलर की, और सलाइनेशन में सॉल्ट्स का एक्युमुलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सोलोनाइजेशन और सोलोडाइजेशन। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूँ क्यों। सोलोनाइजेशन का दूसरा नाम अल्कलाइजेशन भी है, अल्कलाइजेशन, और सोलोडाइजेशन का दूसरा नाम है डी अल्कलाइजेशन। अल्कलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें Na प्लस जो आयन्स हैं, सोडियम आयन्स हैं, ये बेस है, अल्कली है, इसका डिपोजिशन होता है सॉइल प्रोफाइल में। ये एक हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयन है, ठीक है, Na प्लस, इसका डिपोजिशन होता है, एक्यूमुलेशन होता है सॉइल में, और सॉइल का पीएच 8.5 से भी ज्यादा हो जाता है, तो अल्कलीन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं अल्कलाइजेशन, या फिर सोलोनाइजेशन इसका नाम है। डी अल्कलाइजेशन में क्या होता है, ये Na प्लस आयन्स हैं, इनका रिमूवल होता है, ये अर्थ है, इसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स हैं, तो कहीं Na प्लस जो जमा है इनका अगर रिमूवल हो रहा है तो इसको कहते हैं सोलोडाइजेशन या डी अल्कलाइजेशन, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, सॉइल एसिडिक होने लगता है, ठीक है। पहले वाले में क्या हो रहा था, एक्यूमुलेशन हो रहा था, जमा हो रहा था सोडियम प्लस आयन, तो उसको कहते थे सोलोनाइजेशन या अल्कलाइजेशन। दूसरे में क्या हो रहा है, Na प्लस आयन, हाई एक्सचेंजेबल सोडियम आयन है, इनका रिमूवल हो रहा है, तो इसको कहते हैं सोलोडाइजेशन। अब देखो आता है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन तीन तरह के होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है बाय प्लांट्स, तो प्लांट्स के थ्रू होता है, तो इसको कहते हैं फ्लोरल पेडोटर्बेशन। फ्लोरल का मतलब होता है, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। दूसरा होता है एनिमल्स के थ्रू, तो एनिमल को क्या कहते हैं, फौना कहते हैं। तो जब एनिमल्स के थ्रू पेडोटर्बेशन होता है तो उसको कहते हैं फौनल पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन है क्या, ये तो पहले समझ लो। पेडोटर्बेशन मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ सॉइल्स। देखो ये समझ लो कि अर्थ का सरफेस है जहां हम रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो कि जानवर दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो जानवर जब दौड़ेंगे तो मिट्टी जो है नीचे इनका मिक्सिंग होगा, तो ये जो मिक्सिंग प्रोसेस होता है ना, इसको पेडोटर्बेशन कहते हैं। तो यहाँ जानवरों के वजह से हो रहा है तो इसको कहेंगे फौनल पेडोटर्बेशन बाई एनिमल्स। इसी तरह से पेड़ है, पेड़ के जड़ होते हैं, तो जैसे जैसे जड़ बड़े होते जाते हैं तो
इनके बड़े होने के वजह से, रूट्स के बड़े होने के वजह से क्या होता है, सॉइल का मिक्सिंग होता है, तो उसको कहेंगे फिर फ्लोरल पेडोटर्बेशन। सॉइल का मिक्सिंग हो रहा है बट प्लांट्स के थ्रू, तो इसको कहते हैं फ्लोरल पेडोटर्बेशन। इसी तरह से तीसरा होता है, यहां ऊपर देखो, आर्जिली पेडोटर्बेशन। आर्जिली पेडोटर्बेशन, आर्जिली पेडोटर्बेशन क्या होता है, ये कॉटन सॉइल्स में होता है, जो ब्लैक कलर के कॉटन सॉइल्स होते हैं उनमें होता है। उनमें क्या होता है, देखो जैसे बारिश हुई तो पहले ऐसे था जो सॉइल पार्टिकल है, बारिश हुई पानी सोख कर वो फिर बड़ा हो जाता है, जब सूख गया तो फिर छोटा हो जाता है। तो इस तरह से स्वेल एंड श्रिंक जब होता है तो एक चर्निंग प्रोसेस होता है, तो उसके वजह से जो मिक्सिंग होती है उसको कहते हैं आर्जिली पेडोटर्बेशन। तो हमने सारे प्रोसेस समझ लिए, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, सड़ने गलने के बाद जीव जंतु जो भी हैं सड़ने गलने के बाद ह्यूमस का फॉर्मेशन करते हैं, और ह्यूमस के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। एलुवियेशन, इलुवियेशन, इसमें क्या होता है, सॉइल के अपर लेयर्स से पानी के साथ बह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर में वॉशिंग आउट होता है इसको कहते हैं एलुवियेशन, और नीचे में वॉशिंग इन होता है तो इसको कहते हैं एलुवियेशन। ठीक है, ये अपर लेयर में होता है एलुवियेशन, लोअर लेयर में होता है इलुवियेशन। हराइजिनेशन क्या होता है, हॉरिजन का फॉर्मेशन, जैसे ओ ए बी सी बहुत सारे हॉरिजन्स होते हैं अर्थ के ऊपर, लेयर्स होते हैं, तो इनके फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं हराइजनेशन। कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन क्या होता है, कैल्सिफिकेशन में CaCO3 का एक्यूमुलेशन होता है, डीकैल्सिफिकेशन में CaCO3 का रिमूवल होता है। पोडोजोलाइजेशन और लेटराइजेशन में क्या होता है, पोडोजोलाइजेशन में सिस्क्यू ऑक्साइड्स FeAl ये ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। लेटराइजेशन में क्या होता है, सिलिका SiO2 ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। ग्लीजेशन में ग्ली का फॉर्मेशन होता है, पानी जब जमा रहता है तो उसके वजह से मिट्टी का कलर हो जाता है ग्रे, ग्रीन या फिर ब्लू कलर का हो जाता है, और ग्ली का फॉर्मेशन होता है तो उसको कहते हैं ग्लीजेशन। सलाइनेशन में क्या होता है, जो पानी जमा हुआ है, मतलब सॉइल है उसमें पानी जमा है, तो पानी में जो भी सॉल्ट्स हैं वो पानी में आ जाते हैं, तो सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन होता है उसको कहते हैं सलाइनेशन। सोलोनाइजेशन, सोलोडाइजेशन, इसमें क्या होता है, सोलोनाइजेशन में Na+ सोडियम प्लस आयन्स इसका एक्यूमुलेशन होता है, सोलोडाइजेशन में Na+ आयन्स का रिमूवल होता है, सोडियम आयन्स का रिमूवल होता है। पेडोटर्बेशन में मिक्सिंग ऑफ सॉइल्स होता है, जानवरों के वजह से हुआ तो फॉनल पेडोटर्बेशन बोलेंगे, और अगर प्लांट्स के वजह से मिक्सिंग हो रहा है तो फिर फ्लोरल पेडोटर्बेशन बोलते हैं। और इसी तरह से स्वेल श्रिंक होने की वजह से होता है कॉटन सॉइल्स में, तो उसको एजिली पेडोटर्बेशन कहते हैं। देखो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कभी कभी क्वेश्चंस इससे भी आ जाते हैं, इससे क्वेश्चंस बस यही पूछेंगे कौन से एक्टिव फैक्टर है कौन से पैसिव फैक्टर है। तो देखो एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी ना तब सब कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश करूँ कुछ ट्रिक बनाकर याद रखो ताकि हमेशा याद रखे। तो एक फॉर्मूला है, देखो SFClorPT, ठीक है, क्लोरपेट। तो सॉइल इज अ फंक्शन ऑफ CLORPT, ठीक है, मतलब ये सारे फैक्टर्स हैं जो इसके फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे। CL से क्या होता है, क्लाइमेट, O से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म, R से क्या होगा, रिलीफ, P से क्या होगा, पेरेंट मटेरियल, T से क्या होगा, टाइम एंड एज ऑफ लैंड। देखो यहाँ मैंने सब लिख रखे हैं, ठीक है। तो इनमें जो पहला दो है CLO, क्लो, ये दोनों एक्टिव फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये देखो ये एक्टिव फैक्टर्स हैं। उसके बाद R और P, देखो यहाँ R से रिलीफ और P से पेरेंट मटेरियल, ये दोनों पैसिव फैक्टर्स हैं। और लास्ट वाला जो होता है टाइम एंड एज, ये न्यूट्रल फैक्टर है। अब देखो ये फैक्टर्स अपने अपने तरह से अफेक्ट करते हैं, अब एग्जाम में आपसे ये तो पूछेगा नहीं कैसे अफेक्ट करते हैं, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है नहीं। डिस्क्रिप्टिव होता तो पूछ सकते थे कि कैसे अफेक्ट करेगा रिलीफ। मैं आपको एक रिलीफ के बारे में बता देता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, है ना, थोड़ा सा व्यू ब्रॉड हो जाए। तो उसी तरह से आप मान सकते हो कि हाँ ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट करते होंगे अपने अपने तरह से, ठीक है। तो देखो रिलीफ कैसे अफेक्ट करता है, ये एक पहाड़ है, ठीक है, यहाँ हाइट ज़्यादा है और यहाँ पर भी सॉइल है, यहाँ हाइट कम है यहाँ पर भी सॉइल है, तो टोपोग्राफी के वजह से, रिलीफ की वजह से, हाइट की वजह से क्या इफेक्ट होता है। देखो यहाँ जो सॉइल है, जो ऊपर में सॉइल है, सॉइल्स ऑफ अपर स्लोप आर लेस क्ले, इनमें क्ले का कंपोनेंट कम होगा, इनका पीएच कम होगा, सॉल्युबल साल्ट्स यहाँ पर कम होंगे, ऑर्गेनिक मैटर कम होंगे, इनका कलर जो है ये लाइटर होगा और ये वेल ड्रेन्ड होंगे एज कम्पेयर टू दिस
लोअर सॉइल, ठीक है। तो इस तरह से देखो हाइट का कितना अफेक्ट पड़ रहा है यहाँ के सॉइल में और यहाँ के सॉइल में। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे पेरेंट मटेरियल है, क्लाइमेट है, ऑर्गेनिज्म है, ये सारे भी अपने अपने तरह से अफेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा डेप्थ में ऐसे डिस्क्राइब करने के लिए पूछेगा नहीं, आपसे बस यही पूछ सकता है कि पैसिव फैक्टर्स कौन से हैं, एक्टिव फैक्टर्स कौन से हैं और न्यूट्रल फैक्टर्स कौन से हैं। और एक चीज पूछता है, देखो सॉइल का जो स्टडी होता है उसको कहते हैं पेडोलॉजी, ठीक है। और फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ पेडोलॉजी, इनका नाम पूछता है डोकुचेव थे, ठीक है। इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब हम यूनिट 3 में फिर देखेंगे और भी चीजें। तो ये था हमारा सॉइल साइंस का पार्ट 2 वीडियो, और इसके बाद पार्ट 3 में हम देखेंगे हॉरिजॉन्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और बहुत सारे सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जैसे टेक्सचर, स्ट्रक्चर, उन सब के बारे में हम देखेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स करने हैं, किस तरह से आपको बताना है और क्या बताना है कि आपको समझ में आए, आपको फायदा हो, आपको चीजें याद रहे, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक के पेज को लाइक कर लेना और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर है 8237783981। तो दिस इज रोशन कुमार साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।